नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 5 सितंबर की मेजर हाइलाइट्स ओबी एमसीक्यू फॉर्मेट में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन से पहले, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो था विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन। तो राइट आंसर इज़ आपका HRD मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, देखो, इंडिया अलोंग विथ 23 अदर नेशंस पार्टिसिपेट इन सुनामी मॉक ड्रिल, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, IOF 18। विच गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री मोबाइल फ़ोन टू वोमेन ऑफ BPL फैमिलीज, जो है कौन सा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री मोबाइल फ़ोन्स BPL फैमिलीज को, जो भी वोमेन है? तो राइट आंसर इज सी, राजस्थान। वेयर इंटरनेशनल एविएशन समिट हुआ है? तो न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद, बीजिंग या नन ऑफ दिस, ये एविएशन हुआ है न्यू दिल्ली में। इंडिया टू हैव वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी बहुत ही जल्दी एज पर नीति आयोग, ये कौन से सेक्टर के लिए है? ट्रांसपोर्ट, एविएशन, सिटीजन्स, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ट्रांसपोर्ट के लिए वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्रेन हैज़ लॉन्च एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेम्ड क्या है उसका? विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड नैटो मेंबर कंट्रीज, जो भी है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नैटो का मेंबर कंट्रीज है उनके साथ। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बी ऑप्शन, रैपिड ट्रीडेंट। बैंक विथ हाउ ओवर हाउ मेनी ब्रांचेस टू हैव इंटरनल ओम्बर्समैन एज पर RBI, कितने ब्रांचेस हो जाने से जो है आपको इंटरनल ओम्बर्समैन करना पड़ेगा, RBI ने डायरेक्टिव दे दिया है? तो राइट आंसर इज ए, 10। हु हैव बिकम द फर्स्ट सेट ऑफ इंडियन शूटर्स टू सिक्योर कोटा प्लेसेस फॉर 2020 ओलंपिक्स के लिए, कौन से इंडियन शूटर्स है जिनको कोटा मिला है 2020 ओलंपिक्स के लिए? तो राइट आंसर इज ए, अंजुम मौदगिल एंड अपूर्वी चंदला को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च, जो है उन्होंने बोला कौन सा फर्स्ट पोजिशन में आता है वर्ल्ड में टू शट डाउन द इंटरनेट सर्विसेस? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अप ए, इंडिया। द लोकपाल स्कीम रिसेंटली डिस्कस टू इंट्रोड्यूस इन विच एरिया, कहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो राइट आंसर है द इज बी, बैंकिंग में भी लोकपाल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट, कब जो है वर्ल्ड कोकोनट डे जो है सेलिब्रेट होता है? तो राइट आंसर इज बी, September 2। वेयर इज द फर्स्ट इंडिया आइडिया कॉन्फ्रेंस बींग ऑर्गेनाइज बाई USIBC, कहाँ पे ऑर्गेनाइज है इंडिया आइडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ है पहली बार? तो राइट आंसर इज मुंबई में हुआ है। होप इज रिलेटेड टू, होप किससे रिलेटेड है? नया वेलफेयर स्कीम है, मार्स मिशन ऑफ इंडिया है, मार्स मिशन ऑफ द UAE है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्स मिशन ऑफ द UAE। वेयर, कहाँ पे जो है 2+2 टॉक्स जो है होगा, आयोजित होगा 6 सितंबर को एज पर इंडो US कॉम कैसा एग्रीमेंट में? वाशिंगटन, न्यू दिल्ली, सिंगापुर, नन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यू दिल्ली में होगा। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ अनाउंस द टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ विच स्पोर्ट, कौन से मतलब क्या खेलते थे वो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर है क्रिकेट। विच इंडियन हैज़ ओन गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन साउथ कोरिया में, जो है किसने मिला है गोल्ड मेडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज मिला है ओम प्रकाश मिथरवल को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विच रिवर ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ सबसे इंडेंजर्ड? ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में कौन सा रिवर इंडिया का जो है इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड में आता है? तो दैट इज गैंजेस। ठीक है, और आज का क्विज देख लेते हैं। हु विल बी अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपको मुझे कॉमेंट करके बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ।